है, सो मेरे हिसाब से क्लोजिन हमें देखने को मिल सकता है। पेरेगल तो उसने काफी प्यारा नॉकडाउन किया है, सो मॉर्टल यहाँ पे नॉकडाउन हो गए जैसा कि मैंने कहा था। ऑनगार्ड पोजीशन पे ब्रॉलर्स की स्क्वाड ने यहाँ पे क्लोजिन किया और मॉर्टल को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया, पर दो बंदे यहाँ पे ब्रॉलर्स के नॉकडाउन हो जाएंगे। एक लास्ट बंदा बाकी रहता है ब्रॉलर्स की तरफ से, बॉम्बर यहाँ पे मॉर्टल की तरफ रशिन आया था और मॉर्टल यहाँ वाइप डाउन हो जाएंगे, पर सोल की स्क्वाड के प्लेयर आ जाते हैं क्लोजिन अपने प्लेयर का बदला लेने के लिए। आइकॉनिक जैसा कि देख सकते हैं नॉकडाउन है, बॉम्बर यहाँ पे उन्हें रिवाइव दे रहे हैं, वाइपर और सांगवान का हमें क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। सो रेगल तो भी यहाँ आ चुके हैं घर के अंदर, रिवाइव दे रहे अपने टीममेट को, वाइपर आइकॉनिक लेने के ट्राई, पर रेगल तो भी यहाँ पे नॉकडाउन हो जाएंगे। वाइपर लेट्स सी क्या करें, वाइपर का यहाँ पे बैकअप चलेगा, आइकॉनिक यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं वापस से। एक लास्ट बंदा बाकी रहता है टीम ब्रॉलर की तरफ से, बॉम्बर लेट्स सी वो क्या करेंगे। अभी वाइपर क्लोजिंग करते हैं यहाँ पे, ऊपर से दो बंदे को नॉकआउट किया यहाँ पे, बॉलर को फिनिश ऑफ कर दिया और इसी के साथ सांगवान और वाइपर का साथ में पुश आया और ब्रॉलर्स की स्क्वाड पूरी की पूरी यहाँ उन्हें वाइप डाउन कर जाएंगे। पर ये सिचुएशन में मॉर्टल फिनिश ऑफ हो जाएंगे, पर कोई बात नहीं, तीन बंदे हैं, तीन बंदों के तरफ से भी हमें चिकन डिनर देखने को मिल सकता है। सो आईएनडी की स्क्वाड, गॉडल की स्क्वाड अभी भी फिलहाल बाकी है। सो ये लीजेंड स्क्वाड जो है लीजेंड में आके उन्होंने एक डासिया रोक के कवर बनाया है, सोल के प्लेयर के ऊपर रश आता हुआ दिख रहा है। बीएसडी के अनमोल ने यहाँ पे सांगवान को नॉकडाउन कर लिया है। यहाँ पे रेगल तो जो है छोटे से कंपाउंड घर के तरफ है ब्लू हाउसेस में हमें देखने को मिल जाता है। सो बीएसडी के पास ये चांस हो सकता है क्लोजिंग करने का। मैक्स कस्ट यहाँ पे बंदे को नॉकआउट किया, गॉडल के गिल को नॉकआउट करके फिनिश ऑफ कर दिया है। सो यहाँ पे बीएसडी के प्लेयर क्लोजिंग आके स्लैम इन करते हुए दिख जाएंगे। सो इंटरेस्टिंग गेम प्ले हमें देखने को मिलता है, रेगल तो यहाँ पे स्पॉटिंग हो सकता है, सांगवान यहाँ नॉकडाउन हो जाएंगे। आईएनडी के स्लेयर ने बंदे को नॉकडाउन किया, सो लेट्स सी यहाँ वाइपर नॉकडाउन होते हुए दिख जाएंगे। सो रेड में सांगवान ने एक बंदे को नॉकआउट किया है, जरूर आयरन फिस्ट यहाँ पे नॉकडाउन होते हैं। एक गेम रेकॉर्ड के साथ चला रहे हैं, पर रेगल तो यहाँ पे काफी प्यारा गेम दिखा के नॉकआउट किया। रेगल तो लास्ट में स्टैंडिंग फ्रॉम हिज टीम जो कि क्लोजिंग करते दिख रहे हैं, और इसी के साथ रेगल तो यहाँ पे पनिशमेंट दे दिया बीएसडी की स्क्वाड को उनके ऊपर रश इन करने का। रेगल तो उसकी तरफ से क्या ही प्यारा गेम प्ले हमें देखने को मिल चुका, और सांगवान यहाँ नॉकआउट हुए थे, पर रेगल तो यहाँ पे आके डे जो है उनके लिए सेविंग कर लिया टू मैन के साथ। अब उन्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा सफर ये, पर बीएसडी के लूट जो है वो उनको पूरी की पूरी मिल जाएगी। 2v3 फाइट थी यहाँ पे, सांगवान नॉकआउट था पर उनके रिवाइव होने का एक फायदा जो है वो आईएनडी के स्क्वाड रोटेशन दिखाते हुए दिख जाएगी। एमवाईएम के प्लेयर सोल के रेगल तो उसको यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया, तो लेट्स सी ये फाइट कहाँ पर चल रही है। ब्लर के कैनियस भी यहाँ पे शॉटिंग लेते दिख रहे, पर पीछे से सांगवान जैसे कि आप देख सकते हैं पे आईएनडी के स्पॉटिंग करते हैं और नॉकआउट किया, काफी प्यारा नॉकआउट आते दिख रहा है। सांगवान अपनी तरफ से अकेले बचे हैं, फिनिश ऑफ कर लेंगे, काफी सही वाइज डिसीजन था यहाँ पे, फिनिश ऑफ का किल कंफर्म करते हुए दिख जाएंगे। अभी एमवाईएम की स्क्वाड भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, सांगवान यहाँ पे शॉट इन लेते हुए दिख रहे हैं, लेट्स सी बैरली जोन के अंदर आ पाएंगे, और जोन में अंदर आके प्रोन इन हो चुके हैं रोड के पीछे पीछे। एमवाईएम के इमॉर्टल ने यहाँ पे एक्सपेन को नॉकडाउन कर लिया गया है, सो काफी इंटरेस्टिंग फाइट पूरी की पूरी मोड पे जाती हुई दिख जाएगी। आईएनडी के बंदे ने एक प्लेयर क्रूशियल प्लेयर उनका खो दिया है, ट्रांस ग्रेड आता हुआ दिख रहा है सांगवान के तरफ मेरे हिसाब से, या फिर ट्रेड में भी ग्रेड आ चुके हैं। सांगवान की एचपी काफी लो होती हुई दिख जाएगी, ट्रेड ग्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं हमें दोनों की, दोनों टीम के तरफ से। एमवाईएम का एक बंदा यहाँ पे नॉकडाउन है, मैक्सस यहाँ पे नॉकडाउन है, ब्लाइंड की स्क्वाड के प्लेयर यहाँ पे फाइटिंग लेते हुए दिख रहे हैं, ब्लर के कैनियस यहाँ पे सोल की फाइनल लास्ट प्लेयर को